Hello everyone, welcome to Abhipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 12 subject English lesson 3 Deep Water. In this video lecture, we will see some important question answers. In the last video lecture, we discussed 10 important question answers and today we will continue the same. So, question number 11. What did Douglas learn from his experience of drowning? Experience means anubhav, drowning means dubna. So, जो राइटर है डगलस है उन्होंने अपने डूबने के अनुभव से क्या सीखा. सो आंसर ही हैड द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ हिज ड्राउनिंग मीन्स उन्हें डूबने का एक कड़वा अनुभव था. बिटर एक्सपीरियंस मीन्स कड़वा अनुभव. ही फील्ड विथ फियर एंड एट नथिंग दैट नाइट. वो भय से भरे हुए थे और उन्होंने उस रात कुछ भी नहीं खाया. ही शुक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड. He never went back to that pool again. और वो जब बेड पे सोए हुए थे, लेटे हुए थे, तब वो कांप रहे थे और उन्होंने उसके बाद और दोबारा उस पूल में नहीं गए. नेक्स्ट है, why was Douglas keen to get over his fear of water? Keen means होता है उत्सुक. So जो राइटर है वो अपने फियर ऑफ वाटर यानी पानी के भय को निकालने के लिए उत्सुक क्यों थे. मीन्स वो पानी के डर से छुटकारा क्यों पाना चाहते थे. सो आंसर डगलस हैड अ कीन इंटरेस्ट ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. मीन्स जो राइटर है डगलस है उनको काफ़ी इंटरेस्ट था किसमें, फिशिंग में, बोटिंग में एंड स्विमिंग में. दैट वॉज वाई ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर. और इसी वजह से वो पानी के जो भय है उनको निकालने के लिए वो काफ़ी उत्सुक थे, पानी के भय को वो ख़त्म करना चाहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्पेशल मेथड डिड द इंस्ट्रक्टर यूज टू टीच द राइडर टू स्विम. सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्पेशल मेथड मीन्स होता है विशेष विधि. सो जो इंस्ट्रक्टर है वो राइटर को तैरना सिखाने के लिए कौन सी विशेष विधि का इस्तेमाल करते थे या कौन सी विशेष विधि का उन्होंने इस्तेमाल किया. सो आंसर द इंस्ट्रक्टर टाइड अ बेल्ट राउंड द राइटर. सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो राइटर है उनके वेस्ट पे, कमर पे एक बेल्ट उन्होंने बांधा. अ रोप वॉज अटैच्ड टू द बेल्ट और एक रस्सी अटैच्ड थी यानी बेल्ट से. इट वेंट थ्रू अ पुली और ये कहाँ से होकर के जाती थी, एक पुली से होकर के जाती थी यानी घिरनी से होकर के जाती थी. द पुली रैन ऑन एन ओवरहेड केबल और जो पुली है वो एक केबल से होकर के वो जाती थी. द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप और जो इंस्ट्रक्टर है वो क्या करते थे, वो रोप यानी रस्सी की जो दूसरी सिरा, दूसरा जो सिरा है यानी जो एंड सिरा है उसको वो पकड़े हुए रहते थे. थस द राइटर वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल और इस तरह से जो राइटर है वो बैक पीछे, फोर्थ मीन्स आगे, और इस तरह से वो आगे पीछे पुल के आगे पीछे वो जाते थे यानी राइटर इस तरह से वो तैरते थे और बार बार वो वही कोशिश करते थे कि वो पुल के आगे जाए फिर पीछे आए. सो इस तरह से प्रक्रिया चलती थी और जो राइटर है वो तैरना सीखते थे. नेक्स्ट है, द राइटर सेज द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड वाई. सो जो राइटर है वो कहते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर है, प्रशिक्षक है, उनका काम समाप्त हो गया था बट मेरा काम नहीं हुआ था. वाई ऐसा वो क्यों कहते हैं. सो आंसर द इंस्ट्रक्टर हैड टॉट हिम स्विमिंग एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट इट. जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने राइटर को सिखा दिया था कि कैसे तैरना है, कैसे उनको पानी को पार करना है, कैसे वो पुल पे कैसे वो तैरे. बट द राइटर वॉज नॉट स्टिल सेटिस्फाइड. देयर वॉज अ फियर इन हिज माइंड दैट व्हेन ही वुड बी अलोन इन द पुल. तो जो राइटर है वो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो संतुष्ट नहीं थे और जब कभी भी वो पुल में अकेले रहते थे तो वो फिर से डर जाते थे. सो उन्हें फुल कॉन्फिडेंस नहीं था. हिज ओल्ड फियर वुड कम बैक टू हिम सो ही वॉन्टेड टू ट्राई स्टिल मोर इन द पुल और उनके जो पुराने जो भय थे
पुराना जो भय था वो भय उनके माइंड में फिर से आ जाता था, और इसीलिए वो चाहते थे, राइटर चाहते थे कि वो अपने अंदर के डर को पूरी तरह से ख़त्म करे, एंड इस तरह से वो फिर से ट्राई करना चाहते थे। फिर भी मीन्स पूल में वो फिर से वो तैराकी करने की कोशिश कर रहे थे, मीन्स वो अपने अंदर के जो भय है उनको पूरी तरह से ख़त्म करना चाह रहे थे। नेक्स्ट है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। कॉन्कर्ड मीन्स विजय हासिल किए, ओल्ड टेरर मीन्स पुराने भय पे। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डगलस है उनको कैसे पूरा यकीन हुआ कि वो पुराने भय पर विजय हासिल कर लिए हैं। सो आंसर, डगलस वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। सो वो जो है सबसे पहले डगलस जो है वो कहाँ गए, वो कई जगह पे गए, और इसके अलावा वो कहाँ पे गए, न्यू हैम्पशायर के एक वेंटवर्थ लेक यानी वेंटवर्थ झील में वो गए। ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, और वो लेक में लगभग 2 मील तैराकी किए। देन ही वेंट एंड कैम्प्ड बाई द साइड ऑफ वार्म लेक, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कैंप बनाया और वार्म लेक के साइड में, और मीन्स वो वार्म लेक भी गए, वहाँ भी वो तैराकी किए। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव्ड इन टू द लेक, और अगली सुबह वो गोता लगाए, मीन्स तैरे, डाइव्ड मीन्स होता है गोता लगाए। ही स्वैम सक्सेसफुली टू दी अदर शोर एंड बैक, और इस तरह से वो सफलतापूर्वक झील में तैरना सीख गए, मीन्स तैरना स्टार्ट कर दिए। ही शाउटेड विथ जॉय, और वो खुशी से चिल्लाने लगे। नाउ ही हैड कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, और इस तरह से अब वो अपने भय पर विजय हासिल कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिसएडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट इज मिसएडवेंचर, मीन्स क्या दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस जो है वो कहते हैं। सो आंसर, वन डे व्हेन डगलस वाज सिटिंग अलोन ऑन द साइड ऑफ द स्विमिंग पूल, सडनली अ बिग बॉय केम टूवर्ड्स हिम एंड पिक्ड हिम अप एंड टोस्ड हिम इनटू द पूल। एक दिन क्या हुआ, वन डे डगलस जो है वो अकेले स्विमिंग पूल के बगल में बैठे हुए थे, और अचानक से एक यंग लड़का, 18 वर्ष का एक लड़का आता है, और वो क्या करता है, राइटर को वो उठाते हैं और उठा करके पुल में डाल देते हैं। एंड देन डगलस डिडंट नो स्विमिंग, बट एनी हाउ ही वॉज टेकन आउट ऑफ द पुल एंड सेव। और उस समय डगलस बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि कैसे तैरे, और कैसे भी करके, एनी हाउ मीन्स कैसे भी करके उन्हें बाहर निकाला गया और उनको सुरक्षा प्रदान किया गया, वे इस तरह से वो सुरक्षित बच गए। सो इस तरह की जो घटना है वो इसीलिए कहते हैं कि व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर, मीन्स इस तरह की ये जो दुर्घटना है जिनके बारे में वो अक्सर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डगलस की जो माँ है उन्होंने रिकमेंड मीन्स सलाह देना, मीन्स डगलस की माँ ने यह सलाह क्यों दिया कि राइटर को YMCA पूल में ही स्विमिंग सीखना चाहिए। सो आंसर, व्हेन डगलस वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। जब डगलस लगभग 10 से 11 वर्ष के थे तब उन्होंने सीखने का, तैरना सीखने का उन्होंने निश्चय किया। एंड बट द नियरली याकिमा रिवर वॉज वेरी ट्रेचरस एंड मैनी ड्राउनिंग इंसिडेंट्स हैड बीन फाउंड। और उस समय जो पास की जो एक नदी थी, याकिमा नदी, वो काफ़ी भयावह थी, एंड कई सारे इंसिडेंट्स, कई सारी घटनाएं घटी थी, जैसे कई लोग डूब गए थे वहाँ पे, तो कई सारी दुर्घटनाएं घटी हुई थी। हैंस डगलस मदर रिकमेंड दैट She should first learn swimming at the YMCA swimming pool. It would be quite safe for him. So, इसी यही जो वजह थी जिसकी वजह से उनकी जो माँ है उन्होंने ये सलाह दिया कि जो राइटर है उनको कहाँ पे सीखना चाहिए तैराकी, उन्हें
वहाँ पे यानी YMCA पूल पे ही सीखना चाहिए। सो इस तरह से उन्होंने रिकमेंड किया। नेक्स्ट है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंस्ट्रक्टर ने डगलस में एक तैराक का निर्माण किया, कैसे? सो आंसर, द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। सो इंस्ट्रक्टर ने डगलस में एक तैराक का निर्माण कैसे किया? पीस बाय पीस किया, यानी अंशों में। ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर फॉर 3 months, और वो 3 महीनों से एक अनुभवी प्रशिक्षक थे। ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट, इट वेंट थ्रू अ पुली, द पुली रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। और क्या था कि उन्होंने एक बेल्ट का इस्तेमाल किया और बेल्ट में एक रोप अटैच थी, और जो रस्सी अटैच थी वो कहाँ से होकर के जाती थी? एक पुली से होकर के गुजरती थी, यानी एक घेरनी से होकर के, और जो पुली है वो केबल से होकर के वो चलती थी। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और जो इंस्ट्रक्टर है वो रोप का जो एंड किनारा है वो उसे पकड़े हुए रहते थे, और जो दूसरा किनारा है वो राइटर के पास होता था, उनके कमर से बंधी हुई रहती थी। थस द ऑथर वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और इस तरह से जो ऑथर है, जो राइटर है, वो पुल में आगे पीछे वो चलते थे, तैराकी करते थे। ही प्रैक्टिस्ड फॉर मेनी वीक्स, और वो कई सप्ताह तक प्रैक्टिस किए कैसे तैरना है। द टेंशन बिगेन टू ग्रो लेस, और जो उनके अंदर का जो तनाव था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, और इंस्ट्रक्टर ने उन्हें समझाया कि कैसे इनहेल करना है, कैसे एक्सहेल करना है। देन डगलस हैड टू कीक विथ हिज लेग्स फॉर मेनी वीक्स टिल दिस रिलैक्स्ड, और उसके बाद उन्होंने सिखाया कि उन्हें कैसे कीक करना है, कैसे अपने पैरों को चलाना है। आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और 7 महीने के बाद इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब वो तैरने लायक हो चुके हैं, इट मीन्स वो अकेले तैर सकते हैं। सो इस तरह से उन्होंने एक तैराक का निर्माण किया, यानी डगलस जो कि काफ़ी डरते थे, यानी वो पानी से काफ़ी डरते थे, फियर ऑफ वाटर था उन्हें, और उन्होंने इस तरह से अपने अंदर की जो डर है उनको ख़त्म किया, और इस तरह से इंस्ट्रक्टर ने एक तैराक का निर्माण किया, किनके अंदर? डगलस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। डगलस को ये कैसे, उनको यकीन हुआ, पूरा यकीन हुआ कि उन्होंने अपने पुराने जो भय है उन पर उन्होंने विजय हासिल कर ली है। सो आंसर, डगलस विजिटेड सम ऑफ द फेमस वाटर स्पोर्ट्स, मींस जो डगलस है वो कई फेमस वाटर स्पोर्ट्स में गए। एट लास्ट ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, और लास्ट में वो एक न्यू हैम्पशायर के एक लेक पे गए वेंटवर्थ नाम के। ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, और वो लगभग 2 मील तैराकी किए। ही मेड अ कैंप बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और उन्होंने एक कैंप का निर्माण किया वार्म लेक के साइड में। ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डाइव्ड इनटू द लेक, और नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने डुबकी लगाई, उन्होंने गोता लगाया। ही स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, ही बिकेम वेरी श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, और इस तरह से उन्होंने लंबे समय तक तैराकी किए, और इस तरह से उन्हें पूरा विश्वास हो गया, पूरा श्योर हो गया कि उन्होंने अपने अंदर के जो जितने भी भय थे, ओल्ड पुराने जो टेरर थे, उन पर उन्होंने विजय हासिल कर ली है। सो इस तरह से आज हमने देखा 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन थैंक यू।